और वो अपने को सोचता है कि मैं इंसान भी हूँ और देखने में सभी से अच्छा इंसान है, और वो दूसरे के घर में रहता है और उसको क्या है कि जो उसके जिसके मतलब भी जो काम करता है उसको लोग ऐसा सोचने लगते हैं कि ये मेरा नौकर है। क्या आज के दिन में ऐसा नहीं है कि कोई किसी के घर में काम करता है तो नौकर हो, उससे भी अच्छा बन सकता है। और जो जागीरों के राजा लोग होते हैं उनके घर में अगर काम करता है तो लोग सोचने लगते हैं कि ये तो मेरे पैर से दबा हुआ है, लेकिन वही हीरा ऐसा निकलता है जो कि गांव से नहीं जवार पथार जितना भी अपना क्षेत्र होता है सबको एक मैसेज देता है कि मेरा जो गांव का संस्कार है वो बरकरार रखे, वही देसी हीरा है। और देसी हीरा का एक और पहलू है कि वो लड़का का कभी ऐसा नहीं है कि वो कहाँ किससे प्यार करेगा किससे की शादी करेगा, ऐसा भी होता है कि तेरा तो कोई उसको हर कोई देख करके जलता रहता है, लेकिन उसको ऐसी हीरा मिलती है उसको कि एक फौरन की लड़की फेसबुक से पढ़ती है और वो यहाँ पे आती है। और वो लड़की ऐसी है कि वो अपने कल्चर्स जो हिंदुस्तान के कल्चर्स होती है उस कल्चर्स को उसने याद दिलवाती है कि तुम्हारा कल्चर्स क्या है तुम्हारा संस्कार क्या है वो आकर के, और शायद वो हमारे हिंदुस्तान के रिसर्च की हुई है तो वही आकर के यहाँ पे दिखाती है। ये मेरा देसी हीरा है और मैं चाहता हूँ कि एक भोजपुरी का नया न्यू हो जो जैसे लोग एक तरह से हमारा जो संस्कार है जो हमारा सभ्यता है लोग सोचते हैं कि नहीं किसी से प्यार मत करो ऐसे मत करो किसी से भाईचारा मत करो, यह ऐसा मैसेज दिया जा रहा है आज के डेट में जैसे जिस तरीके से मूवी आ रही है लोग हमारे घर के बहू बेटी जितने होती है वो जाती नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ अलग काम करें अलग करके मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। और मैं तो न्यू फेस हूँ अभी कोई ऐसा नहीं है आइडिया, फिर भी मैं आगे देसी हीरा को लोगों के बीच पहुंचाना चाहता हूं, यही है। कि एक फिल्म लाइन अलग फेंक होती है और फिल्म लाइन में एक बदलाव होनी चाहिए जिस माध्यम से मैंने बताया अभी, और ये एक नागपुर के मराठियन और ये मिस वर्ल्ड मतलब मिस लखनऊ लखनऊ हो चुकी हैं, तो मुझे इनका लगा फेस देखा मैंने बातें हुई तो इनके पापा से भी बात मेरा हुआ था तो इस नाते मैं उनको काम, और यही मेरा देसी हीरा है। और आप सभी का आप सभी जितने हमारे मीडिया सेल्स हैं संजय भूषण भाई साहब हैं ये लोगों के माध्यम से मैं सोचता हूँ कि एक देसी हीरा का ऐसा ऐड हो ऐसा पहचान जाए ताकि हमारी मूवी का लोग पसंद करें। और मैं अपने भोजपुरी इंडस्ट्री के सभी अपने भाई बंधु और बड़े बड़े जो एक्टर्स हमारे हैं एक्टर लोग हैं उनको मैं कहूँगा कि थोड़ा अच्छी मूवी बना करके दिखाया जाए ताकि हमारा भोजपुरी का जितने सभ्यता संस्कार है वो बरकरार रहे, मैं इसी के लेकर के बनाने जा रहा हूँ। नहीं हीरो भी हैं हीरो भी अभी आएंगे आप लोगों के बीच, नहीं पोस्टर में इसलिए नहीं दिख रहे हैं कि हीरा जब हीरा रहता है तो कहीं कोयले के खान में होता है, ठीक है, तो कोयले के खान से जब निकलता है तो लोग सभी लोग देखने लगते हैं हीरा, तो वही अपनी कहानी है कि हीरो तो देखेंगी लेकिन कोयले के खान में से आकर के देखेंगे, हाँ जतन से छुपा, तो यह है। और पूछना चाहेंगे आप लोग भैया पांड के आदमी का है करिया होले, चलिए आते हैं हम लोग काम पे ध्यान देते हैं, हीरा किसको चाहिए सबसे पहले तो हम अपने सभी भाइयों को प्रणाम करेंगे। और ये जो देख रहे हैं आप लोग देसी हीरा इसके जो प्रोड्यूसर हैं विवेक पटेल जी मेरे छोटे भाई जैसे हैं, डायरेक्टर वही है राइटर सभा वर्मा जी। और रही बात देसी हीरा की, देसी हीरा सब लोग तलाश कर रहे हैं लेकिन नज़र किसी की नहीं जा रही, खास करके हमारी हीरोइन की नज़र नहीं जा रही है, देसी हीरा इधर ही बैठा हुआ है, इधर देखिए देसी हीरा जो है देसी गांवटी टाइप का जो हीरा होता है सर पे बाल ना हो वही देसी हीरा होता है, और देसी हीरा तो इधर ही है ना,
तो किसी की नज़र नहीं जा रही तो मैं क्या करूं। अब विवेक की भी नज़र नहीं जा रही है कि देसी हीरा कहाँ है, सामने बैठा हुआ हीरा। राम भाई आप अपने आप को हीरा प्रेजेंट करें तो जो मैडम बैठी जो टाइटल रोल कर लेनी हीरा, उनके बारे में क्या कहना है? देखिए हीरा दो होता है, एक हीरा होता है कोहिनूर हीरा होता है, तो ये कोहिनूर है, मैं हीरा हूँ। जो इस फिल्म के राइटर है शिवा वर्मा जी ने जब मुझे बताया, बहुत अच्छी कहानी लगी, कुछ मतलब यूनिक सेंस की गांवटी परिवेश में पूरी कहानी है और बहुत अच्छी कहानी है। बाकी फरवरी में लोग फ्लोर पे जा रहे हैं, इस फिल्म का हिस्सा मैं भी हूँ, तो बहुत जल्दी ही मज़ा आएगा। देसी हीरा खोजा जाएगा और गांव में ही खोजेंगे देसी हीरा, देखते हैं किसके घर में मिलता है। वही जो हमेशा करता आया हूँ, लोगों को हंसाना और अपने आप को बेवकूफ़ बनवाना, तो इसमें भी हंसाऊंगा अपने आप को कुछ इसी टाइप का। बनवाना ही है, बन जाऊंगा। अच्छा, तो कभी ऐसे आप रियल लाइफ में कभी अपने आप को आपने बेवकूफ बनाया है? हाँ, जब बीवी के सामने जाता तो अपने आप को बेवकूफ ही बन के जाता हूँ, उसको ऐसा ना लगे कि मैं बड़ा स्मार्ट हूँ, ऐसा लगता है मैं लल्लू टाइप के आदमी हूँ। और भी मेरी बड़ी मुस्कुराती है, बहुत खुश होती है कि वाह मेरा हीरो आया लल्लू टाइप का। जी ये हमारे शहर की हैं, लखनऊ से मैं भी बिलोंग करता हूँ, और कि मैं थिएटर लखनऊ से किया, तो हमारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं, बहुत आगे जाएं आप, और जैसे कि अभी डेब्यू कर रही हैं और अच्छी भी हैं, अच्छी लग भी रही हैं, हमारी ऑडियंस भी पसंद आएंगी, तो भाई हमारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि आप बहुत आगे जाएं। देखिए क्या है, हमारा तो जन्म सिद्ध अधिकार है, शुरू में हम सिखाते हैं, बाद में हीरो सिखाने लगता है, तो अभी तो मान लीजिए हम सिखा देंगे कुछ दिन, बाद में हीरो सिखाएगा अपना। और आपकी आने वाली फिल्मों की बात है? जी हमारी फिल्म अभी आ रही है राजा, शेर सिंह और बॉस और गबरू और बब्बर, रानी बिरस राजा, काशी विश्वनाथ, काफ़ी फिल्में हैं, कुछ फिल्में तो मैं नाम, हाँ राजा हिंदुस्तानी, काफ़ी फिल्में हैं जो इस साल आप लोग को देखने को मिलेंगी, तरह तरह के करेक्टर में, तरह तरह के। जी सबसे पहले तो मैं जय हिंद कहूँगा और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ, जय हिंद जय भारत। चैनल इस चैनल को देखने वाले सभी तमाम भोजपुरिया श्रोता के हमारा तरफ से नमस्कार। मैं मिन्हाज अंसारी। फिल्म के बारे में बताइए, किस प्रकार की भूमिका है, किस प्रकार से आप जुड़े इस फिल्म से, बताइए। जी इसका डायरेक्टर प्रोड्यूसर हमारे विवेक जी और राइटर शिवा वर्मा जी, तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उनका, जिन लोगों ने मुझे इस फिल्म में काम दिया, मौका दिया कुछ करने का। और इसमें मेरा कैरेक्टर एक साधारण इंसान का है जो गांव के लिए भलाई करता है और गांव के भले के लिए सब कुछ करता है, सोचता है, और वो एक हीरा का कैरेक्टर है जो कि साफ सुथरी मूवी है, खूबसूरत मूवी है और पारिवारिक मूवी है। इसमें लव स्टोरी भी मिलेगी आपको देखने को, कॉमेडी सारा चीज़ मिलेगा और एक अलग ही ये मूवी है। मतलब भोजपुरी में बहुत सारी मूवी आती हैं लेकिन कुछ ना कुछ चेंजिंग करके ही आती है, ये भी कुछ हट के ही है और अच्छी खूबसूरत मूवी है। सर अपना नाम बताइए और आप क्या कर रहे हैं इसके अंदर, किस प्रकार का किरदार है बताइए। मेरा नाम पड़ेगा राहुल कुमार मिश्रा, मेरा नाम पड़ेगा राहुल कुमार मिश्रा और मैं इस फिल्म में भाई साहब के साथ हूँ। और इस फिल्म में मेरी एक बहुत ही अच्छी भूमिका रहेगी, जो मेरे भाई साहब हैं मैं इनके साथ ही रहूँगा, एंड इस मूवी में मेरी सेकेंड सपोर्टिंग रोल जहाँ तक ये मुझे पता है मेरी है। और इस फिल्म की कहानी मुझे बहुत ही अच्छा लगी, जब हमारे प्रोड्यूसर साहब ने ये कहानी बताया मुझे, देन मैंने बिना कुछ सोचे बोला कि सर इसी की तलाश थी जिसे मैं कब से इंतजार कर रहा था। बहुत बहुत नमस्कार है हमारे सर को, विवेक सर को, एंड उनका सपोर्ट रहा था। जब मैं मुंबई में कुछ दिन पहले आया था तो सर ने मुझे आशीर्वाद दिया था, बोला था बेटा तुम्हारे लिए ज़रूर कुछ सोचूंगा। शायद उसका परिणाम है कि आज मैं यहाँ बैठा हूँ और आप लोग आशीर्वाद है। भोजपुरी के सुने वाला देखने वाला भाई लोग के माँ प्रणाम। और इस फिल्म में मैं हीरो का रोल कर रहा हूँ और एक सपोर्टिंग है और एक बड़े बाप का बिगड़ा हुआ बेटा रहता हूँ। और पढ़ाई के नाम पर क्या करता हूँ आप सब
सब फिल्में देखिएगा, ये एक पारिवारिक फिल्म है, आप सबकी अच्छा लगेगा। थैंक यू। बट विवेक सर और चंदन सर को मैं बहुत पहले से जानती हूँ, और चंदन सर तो काफ़ी समय से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो उन्होंने ही लिखा है ये स्टोरी, तो लेट्स सी, अच्छा ही लिखा होगा आई एम श्योर। मिस लखनऊ रही हैं, भोजपुरी सिनेमा में एंट्री कर रही हैं, तो उनके बारे में क्या कहना चाहोगे आप, सभी कितना सपोर्ट करते हैं? ऑफकोर्स सभी आर्टिस्ट एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, चाहे वो कोई भी आर्टिस्ट है कि नहीं, एवरीबडी इज इक्वल, तो हमारा सपोर्ट तो रहेगा ही। तो जी आप क्या कहना चाहेंगे देसी हीरा? नमस्कार, मैं रत्न देखिए देसी हीरा क्या बताऊँ, हर बेटा अपनी माँ की नज़र में देसी हीरा होता है, हर पति अपने पत्नी की नज़र में देसी हीरा होता है, हर भाई भी अपने बहन नज़र में देसी हीरा होता है, ये भी देसी हीरा है, गाँव पूरा गाँव जिला देसी हीरा, मतलब जितना तारीफ किया जाए हम सीधा सारा आदमी के बारे में दर्शाया जाएगा सिनेमा में, हमको लगता है वहीं तक कहानी होगी सारा सीधा इंसान की। आप किस रूप में नजर आने वाले हैं इस फिल्म में? मुझे अभी कुछ आइडिया नहीं है, बुलाए हैं विवेक जी मेरे अच्छे दोस्त थे, फिल्म उन्होंने शुरुआत किया है, भगवान सफल करे इस फिल्म को, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। पूरी टीम के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या शुभकामनाएं? बहुत बहुत बधाई, एक प्रोड्यूसर जब फिल्म बनाता है तो कम से कम 100 लोगों के घर की चूल्हा जलती है, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, भगवान करे फिल्म बने सक्षम और लोगों के पास जाए। मेरी आने फिल्म में कहानी किस्मत की, नाग नागिन की प्रेम कहानी और सुपर डॉन, ऐसे दो तीन और फिल्में हैं। अरे अभिलाषा नाम इनका, क्या हुआ है भैया? भैया भाग जाएगी रे बाबा, कोई तो स्पेशल ना, ही नो मी एक्चुअली, वो काफी ज्यादा मुझे जानते हैं, लेकिन कोई तो लड़की है भैया भाग जाएगी, कितना प्यार से उठाया है बताओ, कितना सर मेरी पूरी ब्लेसिंग है इस फिल्म के साथ, और क्योंकि हम लोग भी जुड़े हैं तो हमें भी ब्लेसिंग्स चाहिए। फिल्मों की बात की जाए तो क्या कहना चाहेंगे? सर अभी तो मैंने हिंदी दो फिल्में की हैं और सीरियल्स कर रही हूँ, तो काफ़ी समय बाद मे बी मैं ये फिल्म करूँ, बिकॉज जो राइटर हैं जो डायरेक्टर हैं वो तो हमारी फैमिली मेम्बर जैसे हैं, मैं ज़्यादा उनसे क्वेश्चन आंसर भी नहीं कर सकती हूँ कि मेरा क्या रोल है क्या नहीं है, क्योंकि अभी स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है इसमें। सर अपना परिचय बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आप सभी को और ख़ास तौर से देसी हीरा के पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरा नाम दीपक वर्मा है, मैं आफ्टर 6 ईयर बाद जो है भोजपुरी इंडस्ट्री में एक बार फिर से कदम रख रहा हूँ, और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो कहानी है पूरी देसी हीरा की जो कहानी है ये ऑटोमेटिक अपने आप में एक यूनिक कहानी है, और हर परिवार की और हर समुदाय से रिलेटिव रखती हुई ये कहानी है, पारिवारिक कहानी, बहुत खूबसूरत अच्छी कहानी है। मेरी तरफ से साभा जी और विवेक कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ साभा जी वही चंदन जी द्रोणा विस्ट ऑन द मून, अभी दो फिल्म ऑलरेडी रिलीज होने वाली है मजनू, और एक फिल्म आ रही है कॉमेडी का तड़का जो बहुत अच्छे बैनर थे और अच्छे लेवल पे रिलीज हो रही है। एक एज मेरी खुद की फिल्म आने वाली है डियर फादर, बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग भी जाइएगा देखिएगा, और एक बार फिर से मेरी तरफ से पूरी टीम को देसी हीरा जिस तरह से ये यूनिक कॉन्सेप्ट है ये हर घर घर में पहुंचेगा, सिर्फ यूपी बिहार ही नहीं पूरे ऑल वर्ल्ड में पहुंचेगा, इसके लिए मेरी तरफ से तहे दिल से शुक्रिया, और देसी हीरा के लिए मेरे लिए मेरी तरफ से खूबसूरत सा शेर पेश करता हूँ, इजाज़त है आप लोगों की? निशाने पर जो लग जाए उसे तीर कहते हैं, निशाने पर जो लग जाए उसे तीर कहते हैं, दिल में जो उतर जाए उसे तस्वीर कहते हैं, और ऐसा खूबसूरत अगर कॉन्सेप्ट मार्केट में आ जाए तो उसे तकदीर कहते हैं। थैंक यू एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मेरे सभी मीडिया वालों को और मुझे देखने वाले तमाम दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार प्रणाम, और आज देसी हीरा फिल्म का मुहूर्त है
एंड ये हमारे डायरेक्टर है विवेक जी राइट। तो हमारे डायरेक्टर, मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई हूँ तो मुझे ज़्यादा सबके बारे में पता नहीं है, और नाम से तो देख रहे खूबसूरती झलक रही, देसी हीरा मतलब देसी चीज़ के बारे में बात किया जा रहा है और हीरे की ज़रूरत हर किसी को होती है, मुझे भी तो नाम से ऐसा लग रहा है कि फिल्म बहुत अट्रैक्टिव है, स्टोरी अच्छी होगी एंड आई होप मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ है, फिल्म अच्छी बने, अच्छी सुपर डुपर हिट हो, यही कहना चाहूँगी। विवेक जी के साथ मैंने अभी तक कोई प्रोजेक्ट किया नहीं है तो ज़्यादा मैं नहीं ज़्यादा बता नहीं पाऊँगी, हम मिले हैं दो चार बार लेकिन अभी तक क्योंकि काम साथ क्योंकि काम साथ में नहीं किया तो इसलिए अभी ज़्यादा कुछ पता नहीं है मेरे बारे में, लेकिन हाँ वी आर अ वेरी गुड फ्रेंड्स एंड आई होप कि हम आगे अच्छा करेंगे साथ में। पूरी टीम को, इस फिल्म के सभी हीरो हीरोइन डायरेक्टर प्रोड्यूसर को आर्टिस्ट जितने हैं सबको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, फिल्म बहुत अच्छी बने, ब्लॉकबस्टर हो, मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ और आपकी पूरी टीम के साथ है, गॉड ब्लेस यू। काफी अलग लुक नजर आ रही है, बताना चाहिए इसका राज क्या है? एक्चुअली कोई राज नहीं है, परसों मैं एक फिल्म की शूटिंग कर रही थी हैदराबाद में जिसके डायरेक्टर सुब्बा राव जी हैं, तो उनकी फिल्म की शूटिंग के लिए ये लुक मैंने लिया था, मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं इसको कंटिन्यू कर रही हूँ, अगर आप सबका सपोर्ट मिला तो ये ऐसे ही बरकरार रहेगा। साउथ अफ्रीका से आई हूँ मैं राइट? नहीं नहीं जस्ट अभी दो चार दिनों के लिए, फिर मैं अपने पुराने अवतार में आ जाऊँगी बहुत जल्दी। बताना चाहेंगे जिस वो फिल्म काशी विश्वनाथ है फिल्म का नाम, जिसके डायरेक्टर सुब्बा राव जी हैं, हीरो रितेश पांडे जी हैं, हीरोइन आई थिंक काजल राघवानी जी हैं, मैंने उसमें एक गाना किया है गेस्ट अपीरियंस, फर्स्ट टाइम मैंने सुब्बा जी के साथ काम किया, साउथ में जाके काम किया और रियली इट वॉज वेरी गुड एक्सपीरियंस, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि वहाँ के टेक्नीशियंस और वहाँ के लोगों का काम करने का तरीका बहुत अलग है, वेरी गुड नेचर और सपोर्ट बहुत ज़्यादा, प्लस आर्टिस्टों की इतनी ज़्यादा कदर करते हैं वो लोग, पहले तक मैंने सुन रखा था कि साउथ के आर्टिस्टों की वहाँ पे मंदिर बनाई जाती है, पूजा होती है, अब समझ में आया क्यों, रियली वहाँ पे बहुत बहुत रिस्पेक्ट करते हैं कलाकारों की, मतलब मैं गई पहली बार काम करने तो मेरा एक्सपीरियंस तो ऑसम था। सब आप सबका प्यार है, हमारी पब्लिक का प्यार है, हमेशा मुझे इतना भर भर के प्यार देती है, उसके लिए तो मैं आज यहाँ पे हूँ जहाँ भी हूँ पब्लिक की वजह से, थैंक यू सो मच। हाँ अभी एक गाना मेरा रिलीज हुआ है दीप म्यूजिक वर्ल्ड से, ओहिरे जगैया दुखाता, लेट मी कंप्लीट क्लियर फर्स्ट कि ओहिरे जगैया इन द सेंस कि कमर के बारे में बात की जा रही और कुछ नहीं, तो प्लीज़ रॉन्ग वे में ना जाए, तो गाना है कि लिख तर हथी अप तिलवाए सैया मल रात भर ओहिरे जगैया दुखाता, हले के तर हथी अप तिलवाए सैया मल रात भर ओहिरे जगैया दुखाता, बथता कमर ओहिरे जगैया दुखाता, बथता कमर ओहिरे जगैया दुखाता। आ गए ये बीच में नहीं अश्लीलता का आरोप मेरे ऊपर अभी तक नहीं लगा है, और मेरे जो भी गाने मैंने अभी तक जो भी गाने गाए हैं वो डबल मीनिंग गाने गाए, सिंगल मीनिंग मेरा कोई भी गाना नहीं है, बिकॉज क्योंकि सबको पता है भोजपुरी द्वअर्थी भाषा है, हर जगह बोली जाती है, एक शब्द का दो अर्थ निकलता है, तो मैंने डबल मीनिंग गाने गाए हैं, सिंगल मीनिंग गाने नहीं गाए, और संजय जी फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मेरे ऊपर अश्लीलता का आरोप बिल्कुल भी नहीं लगा, मैं बहुत पाक इंसाफ हूँ फिलहाल। एज अ हीरोइन तो मुझे काम करते हुए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, कुछ 4-5 साल हुआ है, बट एज अ परफॉर्मर एज अ सिंगर स्टेज शोज एल्बम करते हुए मुझे एटलीस्ट नियर 10 साल एटलीस्ट हो गए होंगे कम से कम काम करते हुए। रीज़न क्या बोलूँ, स्टेज शोज़ मैंने सारे स्टार्स के साथ किए, फिर चाहे पवन जी हो, दिनेश जी हो, मनोज तिवारी जी हो, स्टेज शोज़ मैंने सबके साथ किया एज अ सिंगर, बट हाँ एज अ हीरोइन अभी तक काम नहीं कर पाई हूँ, पता नहीं हो सकता है मेरा बैड लक हो या ट्यूनिंग नहीं हो या क्या बोलूँ, अभी इसके बारे में कुछ बोल नहीं सकती। जब पवन जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ पवन जी, मैं शुरू से उनकी बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ, जब मैं स्टेज छोटे छोटे स्टेज शोज़ करती थी, जब इतना नाम नहीं था, फेम नहीं मिला था, तब उनके गाने जो लॉलीपॉप और सानिया मिर्जा कट नथुनिया एंड ऑल, तो मैं बहुत बड़ी फ़ैन रह चुकी हूँ पवन जी की, पर ये मेरा दुर्भाग्य बोल सकते हैं कि अभी तक मुझे काम करने का मौका नहीं मिला है उनके साथ,
एंड आई होप क्रॉस माई फिंगर्स कि जल्दी मुझे काम मिले उनके साथ और मैं उनके साथ ज़रूर करना चाहूँगी। हाँ, खेसारी जी के साथ मेरी अच्छी बॉन्डिंग है, इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन और मैंने उनके साथ काफ़ी स्टेज शोज़ भी किए हैं फिल्म, बट बैड लकली मैं फिल्म उनके साथ भी नहीं कर पाई हूँ, स्टेज शोज ही किया है फिलहाल। हाँ खेसारी जी, अगर आप मेरी बात सुन रहे हो तो प्लीज़ मेरे साथ एक काम करो, ये संजय भूषण पटियाला मुझे सवाल पूछ पूछ के मेरी मुझे मार डालेगा, इसलिए हम एक कर ले शूट ताकि ये सवाल ख़त्म हो जाए कम से कम। अभी रिलीज़ होने वाली है बजरंगी लाल, उसके बाद अभी काशी विश्वनाथ करके आई हूँ वो रिलीज़ होने वाली है, विजयी भवर रिलीज़ होने वाली है, काफ़ी सारी फिल्में बैक टू बैक है जो एक एक करके रिलीज़ होने वाली है। थैंक यू सो मच, और मेरे सभी दर्शकों को आने नेक्स्ट होली की ढेर सारी शुभकामनाएं और सभी लोगों को मेरा ढेर सारा प्यार, लव यू ऑल। डे फहराएं, चॉकलेट मिठाइयाँ बांटे और खुश रहे, थैंक यू सो मच। ग्रामीण परिवेश से रिलेटेड ये चीज़ है देसी हीरा, एक्चुअली मतलब आप हमेशा देखते होंगे कि गांव घर से मतलब नए नए अनमोल रत्न निकलते हैं लाइक दैट, तो वैसे ही रिलेटेड है कुछ ये स्टोरी कि मतलब एक ग्रामीण परिवेश में कैसे एक बंदा किस ढंग से स्ट्रगल करके और वो अपने आप को चमकाता है और अपने आप को एक देश की अलग सतह पे एक पटल पे लेके आता है एक अलग रूप में। एक ग्रामीण परिवेश में रहने वाला एक अलग लड़के का किरदार है जो बहुत ही अल्लड़ है बचपन से, मतलब खेतों में हल चलाना वगैरह वगैरह लाइक दैट, पढ़ाई भी उसकी नहीं हुई है, एक मनमौजी किरदार है, मतलब एक मनमौजी लड़के का किरदार। हाँ, आप कह सकते हैं कि ठेठ, मतलब लुंगी और गमछे वाला कह सकते हैं। अब मैं तो इन्जॉय करूँगा यार, रियली बहुत इन्जॉय करूँगा, बचपन की चीज़ें मतलब जब हम लोग बच्चे हुआ करते थे स्कूल टाइम में जैसे मस्ती किया करते थे वैसे इस फिल्म में कम्प्लीटली मतलब वैसा ही कुछ परिवेश है। हिंदी में अभी कौन कौन सी फिल्म रिलीज हो चुकी है? हिंदी में रेस 3 है, स्ट्राइकर है, दो मराठी फिल्म भी रिलीज हुई है मेरी, प्रेमा चिनाते और मंगलसूत्र, और अभी आने वाली फिल्म में दबंग है जिसमें सलमान खान स्टारिंग है, रेस 3 में भी मैंने सलमान सर के साथ में काम किया, अनिल कपूर, जैकलिन, और दबंग 3 में सलमान सर हैं, सोनाक्षी सिन्हा है, सुदीप हैं, सुदीप के साथ मैं एक साउथ की फिल्म और कर रहा हूँ जिसमें सुदीप और जयराज एज एन एक्टर काम कर रहे हैं, मैं एज ए मेन विलन वर्क कर रहा हूँ। काफ़ी टाइम से इंडस्ट्री जो है भोजपुरी से फिल्में क्यों नहीं करते हैं? पता नहीं, बट हमेशा कोशिश किया है मैंने, भोजपुरी फिल्मों को प्रोत्साहन दी है, लोगों को सपोर्ट किया है, प्रोड्यूसर को डायरेक्टर को काफ़ी सपोर्ट किया है मैंने, मुझसे जो हो सका है एज ए फंडिंग वगैरह ये वो मैं करते रहा हूँ भोजपुरी के लिए, बट भोजपुरी में कभी काम नहीं करने का हुआ क्योंकि मैं थिएटर से जुड़ा रहा हूँ, हिंदी थिएटर से, और ज़्यादातर मेरा टाइम उसी में चला जाता है तो मैं उसी में लगा रह जाता हूँ। अभी मेरा दिल कर रहा है कि अपने तरफ की कुछ फिल्में की जाए, तो एक फिल्म मैंने और की थी जो नदिया के पार में, मतलब नदिया के पार के बाद आफ्टर मतलब 17 या 20 ईयर्स यू सर्टिफिकेट मिला है, वो भी हमारे राइटर डायरेक्टर जो सभा वर्मा है उन्हीं की फिल्म है, क्या रानी वेट्स राजा, राइट, सॉरी, वो नेशनल अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट हुई है और देखिए शायद उसमें कुछ बहुत बेहतरीन चीज़ें मिलकर मतलब निकल के आ सके। आप कहाँ के रहने वाले हो और मुंबई में कैसे आपके बारे में? मैं बिहार पटना का रहने वाला हूँ, पटना में एक छोटी सी जगह है बाढ़, उस जगह का रहने वाला हूँ, और मैंने हार्डवेयर कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया है आफ्टर 12, और यहाँ मेरी IT कंपनी है और कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है। आपने बोला सलमान जी के साथ फिल्में कर चुके हैं, फिर करने वाले हैं, कैसा लगा उनके साथ काम करके, बताएंगे शेयर करने का? सलमान सर के बारे में कहना मुश्किल, एक्चुअली में बहुत सपोर्टिव इंसान है, और जब एक्टर जाता है जब मैं पहली बार उनके साथ काम कर रहा था तो कहीं ना कहीं कोई फियर था और लग रहा था कि शायद मैं काफ़ी नर्वस था एक्चुअली, बट उन्होंने इतना अच्छा सपोर्ट किया और कंधे पे हाथ रखे इस ढंग से समझाया कि सीन ऑटोमेटिक ऐसे ही इधर से उधर हो गया, बहुत ही सपोर्ट करते हैं वो, और रियली कहा जाए तो बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत सपोर्टिव इंसान हैं और अपने को एक्टर को बहुत कोऑपरेट करते हैं, उनके साथ काम करके बहुत। हाँ, बहुत सुलझे हुए इंसान है विवेक जी जहाँ तक मुझे पता है, और मुझे लगता है कुछ क्रिएटिव और कुछ बेहतरीन करेंगे, कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। आपके अपोजिट फिल्म में नई हीरोइन लॉन्च हो रही है, कैसा दोनों का कम्युनिकेशन रहेगा? मैंने उन्हें देखा है और बातचीत की है, जहाँ तक सुलझी हुई है, काफ़ी सुलझी हुई हैं और एक्ट्रेस भी अच्छी हैं, अभी देखते हैं किस ढंग से क्या हो पाता है, ऐसे ट्यूनिंग जमेगी उनके साथ में, क्योंकि बहुत सिंपल और सोबर है और काफ़ी सभ्य है।
फिल्म कब तक शूट जाएगी? अप्रैल से तो मैं दबंग 3 के लिए बिजी हूँ, शायद अप्रैल के पहले या फिर अप्रैल के बाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जो अच्छा लगता है छोड़ते नहीं, निकाल लेते। आप मैडम आप थोड़ा या तो इस पे बैठ जाइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये वाली कुर्सी मैडम, देसी हीरा का मुहूर्त है, क्या कहना चाहेंगे जी? सबसे पहले मैं पूरी टीम को बधाई देना चाहती हूँ दिल से कि जो मूवी बन रही है लोग उसको पसंद करें और पूरी टीम की मेहनत रंग लाए और मोटिवेट होकर वो लोग दूसरा हीरा 2 बनाए, हीरा देसी हीरा 2 जी। तो आप इसमें सर, इसमें तो ये डायरेक्टर ही बता सकते हैं। एक्चुअली अभी तक मैं क्लियर नहीं हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, सो बट हाँ कुछ ना कुछ कर रही हूँ मैं। डायरेक्टर प्रोड्यूसर बात की जाए तो क्या कहना चाहिए? जी जी जी, डायरेक्टर आपके सामने बैठे हुए हैं, जितने सुलझे हुए ये दिखते हैं शायद इतना ही सुलझा हुआ इनका काम भी है, तो आई एम डैम श्योर कि लोगों को इनका काम भी पसंद आएगा, इनका डायरेक्शन भी पसंद आएगा और जो एक्टर्स हैं इनके साथ बहुत कंफर्टेबल होके अपना बेस्ट दे सकते हैं, अच्छे से काम कर सकते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि एक डायरेक्टर और एक्टर के बीच का जो रिश्ता होता है ना, जो बॉन्ड होता है, वो कम्फर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। तो मुझे लगता है कि ऐसे सुलझे हुए डायरेक्टर हैं जिनके साथ कोई भी कम्फर्टेबल जोन में जाके काम कर सकता है। फिल्म करियर तो देखिए अभी तो बस शुरुआत कर रहे हैं हम लोग, 1, 2, 3, 4, 5, 10 ऐसे करते करते करियर बनता है, एक फिल्म कर लेने से तो करियर बनता नहीं है जी, तो बस स्ट्रगल है। अब तक क्या किया है बताना चाहिए अपने बारे में? जी बिल्कुल, मैंने 3 हिंदी फिल्में की है और अगर मैं ये मूवी करती हूँ तो ये फर्स्ट भोजपुरी मूवी होगी मेरी। और जैसे मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, सिवान से, मेरा नाम अरुणा गिरी है, सॉरी मैंने स्टार्टिंग में बताया नहीं था, तो मुझे भोजपुरी बहुत अच्छे से आती है, सो डेफिनेटली मैं भोजपुरी करना चाहती हूँ और इसलिए शायद मैं इस प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई हूँ। ये तो भोजपुरी हम माटी के बाड़ी और बहुत ही हमने के मुलाकात एक हिंदी मूवी में हुआ था, हिंदी मूवी शायद एक तरफा नाम था उसका। हाँ, एक तरफा मूवी थी जिसमें हम लोगों ने साथ हम लोग अच्छा इन्जॉय किए थे वहाँ पे और अच्छा इनका काम भी लगा और बहुत बहुत बोलूँ तो देसी जो कहा जाता है ना, हम लोग भोजपुरी में ही बोलते थे काओ का हलवा ठीक बाजी, तो यह सब चलता था। तो मैंने इनको सोचा कि अपने प्रोजेक्ट से जुड़ूं और देसी हीरा में। ओके थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। खुशी है कि आप लोग इस फील्ड में आ रहे हैं और आके अपना परचम फैलाएंगे। फिल्में तो बहुत बनती हैं और बनती रहेंगी, लेकिन आप लोग कुछ ऐसा कीजिए कि एकदम भोजपुरी का परचम हर जगह फैले, है ना? तो मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आपको, आपकी टीम को, हीरो को, हीरोइन को, डायरेक्टर राइटर की भाई उनका ये प्रयत्न जो है सफल हो, सक्सेस हो और बहुत सारा धन कमाए ताकि आप फिर फिल्म बनाए और मुझे दादी का रोल दे दो। आपका आशीर्वाद भी रहता है ना? हाँ, मेरा आशीर्वाद है, मेरी शुभकामनाएं हैं। अच्छा लगता है लोग प्रयास करते हैं, है ना? और प्रयास जो करते हैं सफलता भी उन्हीं को मिलती है। थैंक यू। शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि यह फिल्म अपने आप में एक अनोखी फिल्म साबित हो और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं रीजनल सिनेमा अपने आप में बहुत ही कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ रही है और बॉलीवुड को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ रही है। बात मैं भोजपुरी की नहीं कर रहा हूँ, मैं रीजनल सिनेमा की कर रहा हूँ और मैं वो उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से तेलुगु इंडस्ट्री, मलयालम इंडस्ट्री, तमिल इंडस्ट्री, कन्नड़ इंडस्ट्री इतनी ऊंचाई पर पहुंच गया है, बाहुबली, KGF ऐसी ऐसी फिल्में बना दी है, तो हम चाहते हैं कि हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री जो है वो इससे भी और बड़ी ऊंचाई को हासिल करे, क्योंकि संख्या के मामले में, दर्शक के मामले में हम उनसे 3 गुने 4 गुने ज़्यादा हैं, बस इन्वेस्टमेंट के मामले में थोड़े पीछे हैं। तो मैं गुजारिश करता हूँ कि हमारे जो भोजपुरिया बेल्ट के लोग हैं, हिंदी बेल्ट के लोग हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है, वो थोड़ा इन्वेस्ट करें अपनी भाषा के लिए, वो अच्छी फिल्में बनाएं और जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा उतना अच्छा फिल्म बनेगा। तो ये एक अच्छी पहल है, अच्छा टाइटल है और हीरो तो खैर मेरे रिश्तेदार ही हैं, तो मुझे उम्मीद है कि ये सुपरहिट जाए और एक नया आयाम हासिल करे। समाजी आप क्या कहना चाहेंगे?
बस एक अच्छी सी कोशिश है और एक अच्छी सी खूबसूरत सी फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये उम्मीद है कि दर्शकों को पसंद आएगा। इसके गीत संगीत पर काफ़ी मेहनत किया जा रहा है। जैसा कि नवीन प्रकाश जी बोल रहे हैं, एक सिनेमा के उत्थान के लिए जिस तरह से लोगों को आगे बढ़ करके काम करने की ज़रूरत है, उसी कोशिश के तहत हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए एक और हाँ, अभी मेरी लिखित एक फिल्म रिलीज होने वाली है रानी वेश राजा, जिसमें रितेश पांडे और रानी चटर्जी जी हैं। काफ़ी अच्छा उसको रिस्पांस मिल रहा है, यूट्यूब पर से गाने काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, उसको सेंसर बोर्ड से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है और बहुत जल्द रिलीज के लिए जाने वाली है। ऑलमोस्ट फरवरी तक वो फिल्म रिलीज हो जाएगी। हाँ, भोजपुरी की पूरी फ्रैटर्निटी को एक बात मैं विशेष तौर पर कहना चाहता हूँ कि आप लोग अगर अपना इतिहास भूल जाएंगे तो आपका भूगोल सच में थोड़ा गड़बड़ होने लगेगा। और सिनेमा के साथ, खास करके हमारी सिनेमा के साथ यही हुआ। अगर आप दिलीप साहब की पुरानी बॉलीवुड की फिल्में देखेंगे तो उनकी भाषा में, उनकी आवाज़ में एक भोजपुरिया छाप था, एक जो पुरवैया होता है ना, वो पुरवैया छाप था उनके ऊपर में। और भी कई सारे हीरो जो 60s 70s की फिल्में बनती थी, हाँ, अमित जी हो गए, गोविंदा जी हो गए, सब में एक पुरवैया छाप था। वो पुरवैया छाप आजकल धीरे 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 खत्म होने लगा, और जैसे जैसे ये पुरवैया छाप खत्म हुआ है तो फुहड़ता अपनी जगह लेने लग गया। तो ये हमको भोजपुरी में भी नहीं चाहिए। तो वो पुरवैया छाप जो देसी होता है ना, तो ये टाइटल अच्छा है। एक्चुअली में वो पुरवैया छाप हमको चाहिए इस फिल्म में, तो लोगों को पूरी परिवार के साथ देखने में मज़ा आए फिल्म की, यार क्या फिल्म है। और एक जो देसी हीरा है वो एक लड़का ऐसा होना चाहिए कि मतलब वो मज़ा आए कि यार ये मेरे परिवार का लड़का है, ये मेरे घर का लड़का है, ये मेरे समाज का लड़का है, और ये हमारे लिए अच्छा किया है। और उम्मीद है कि चंदन भैया इतने अच्छा लिखते हैं और इतना सारा कुछ लिख चुके हैं, मैं तो अभी आप लोगों को पता नहीं है, एक दो फिल्में इनकी ऐसी लिखी हुई है, उनका मुरीद हूँ मैं, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे इनके साथ बैठ के, खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ मैं। जी, मेरा नाम भानु राजपूत है। मैं आज पहली बार मतलब अपना कुछ बताने जा रहा हूँ। मैं एक हिंदी मूवी से शुरुआत करना चाह रहा था, पर मेरा सौभाग्य ये रहा कि मुझे एक भोजपुरी माटी के साथ काम करने का अनुभव होने वाला है। मैं इसके साथ बहुत अपना 100% पूरा लगाऊंगा, और मैं इसमें नेगेटिव कर रहा हूँ, नेगेटिव में भाई, मेरे भाई के साथ में रहूँगा मैं बस। और आगे आप जो प्यार देंगे वही हमारे लिए बहुत बहुत आभारी रहेंगे, और हम तो बस यही चाहते हैं कि आगे से आगे हम आपके लिए कुछ अच्छा सा प्रोग्राम पेश करें। और हमारी यही कामना है कि आप लोगों का प्यार हमारे साथ रहे, भाई हमारे साथ हैं, और आगे भाई थोड़ा आप अपना नाम बताइए। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मैं प्रणाम सलाम नमस्कार करना चाहता हूँ। मेरा नाम रिजवान अहमद पड़ेगा, और मैं इस देसी हीरा में मैं नेगेटिव कर रहा हूँ, सपोर्ट कैरेक्टर कर रहा हूँ। अब फाइनली तो मुझे नहीं पता है कि क्या कैरेक्टर है मेरा, और बहुत अच्छी कहानी है इसकी। इसमें हमारे संजय भाई जो हैं चुने हमको, मतलब बोले कि ये मूवी करना है तो अच्छा लगेगा साथ में काम करके, और ये मेरी मतलब फर्स्ट मूवी है, और सबके साथ में काम करने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा, और जितना जल्दी रिलीज हुए उतना ही अच्छा रहेगा। मैं यही बस कहना चाहता हूँ, बाकी हमारे दर्शकों के ऊपर है, सब लोगों को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। सबको, सबसे पहले सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम है वैभव टेम्बुरने, मैं नागपुर से हूँ, और ऐसा प्रोग्राम मैं पहली बार ही कर रहा हूँ। पहली बार ही बैठा हूँ तो नर्वस हूँ थोड़ा। और मेरा इस मूवी में देसी हीरा मूवी में मेरा कैरेक्टर ये है, अपना लीड के साथ सपोर्टिंग रोल है, लीड विलन के साथ। थैंक यू। नमस्कार। देसी हीरा, इसका मतलब है सच में हमारा जो विवेक कुमार है वो हकीकत में ओरिजिनल हीरा है वो, और हमारे देसी होने के नाते वो उस चीज़ को प्रेजेंट कर रहा है। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी विवेक के लिए, मैं उसे संजय के नाम से जानती हूँ या बुलाती हूँ, मेरा मानस पुत्र है वो। शुरुआत में जो उसकी जुनून थी, आज वो देख के बहुत खुशी हो रही है। आज वो अपने जो सपना था उस सपना को पूरा किया, और भोजपुरी फिल्म एक ऐसी फिल्म है जो हर क्षेत्र में, हर स्टेट में,
हिंदी भाषी होने के नाते हर कोई देखते हैं और पसंद करते हैं। और हमारा जो विवेक कुमार है, डायरेक्टर भी है, प्रोड्यूसर भी है, लेकिन वो एक चीज़ जो प्रेजेंट कर रहा है वो हमारे हिंदी भाषी को प्रेजेंट कर रहा है। और आज के डेट में हमारे हिंदी भाषी को एकजुट होना है, तो ये उसकी जो कोशिश है, हम समझते हैं आप सब उसके लिए बहुत बड़े जरिया हैं। जो मीडिया है वो सबसे बड़ा जरिया होता है किसी को बड़ा करने के लिए, किसी को प्रेजेंट करने के लिए, प्रोजेक्ट करने के लिए। मैं शुभकामना देना चाहूँगी हमारे जो लीड रोल कर रही हैं, रितिका हैं, राहुल हैं, मिनाज हैं, आई थिंक और भी जो हैं सबको नहीं जानती हूँ मैं, और साथ में विवेक कुमार को बहुत बहुत शुभकामना देना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि बहुत बहुत आगे बढ़े और खुद तरक्की करें। धन्यवाद।